स्वागत है सभी व्यूअर्स का। आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरु और आज आपके लिए बच्चों के लिए एक हम बताने जा रहे हैं एक अचूक फार्मूला जिसे अपनाकर आप अपने बच्चों को सेफ रख सकते हैं अपने स्कूल में और जब भी आप उन्हें लेने जाएंगे तो आपके बच्चे सेफ रहेंगे और वो आसानी से किसी के बहकावे में नहीं आ पाएंगे। तो क्या है वो तरीका, आइए जानते हैं। आप पढ़ रहे होंगे, देखिए क्या लिखा हुआ है। एक बार एक अजनबी ने एक 8 साल की लड़की से कहा कि बेटा तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी मम्मी ने मुझे बुलाया, मुझे तुम्हें लेने के लिए भेजा है। और लड़की ने कहा कि आपके साथ तो मैं चलूँगी लेकिन आपको एक पासवर्ड बताना होगा। और जो पासवर्ड था वो उसकी मम्मी को और उसे ही पता था। वो शक पका रह गया और वो वहाँ से खिसक गया। ये इस बच्ची और उसकी माँ ने आपस में तय किया हुआ था कि अगर कभी बच्ची को लेने किसी अजनबी को भेजने की नौबत आई तो माँ उसे पासवर्ड बताएगी। और उस बच्ची उस पासवर्ड को जान लेने के बाद ही उस अजनबी के साथ जाएगी। देखा ना कितना आसान तरीका है। तो आप भी अपने बच्चों के साथ एक पासवर्ड शेयर करें और जब भी आप स्कूल में किसी अजनबी को लेने भेजें तो पासवर्ड ज़रूर बताएं। इससे आप जो है अपने बच्चों को सेफ रख पाएंगे और किसी अजनबी को मौका नहीं मिल सकता कि वो आपके बच्चों को ऐसे ही ले जाए। छोटे छोटे बच्चे चंचल मन होता है, समझदार उतने नहीं होते हैं, इसलिए उनको समझदार बनाइए और एक पासवर्ड ज़रूर उन्हें बताइए कि बेटा इस पासवर्ड को अगर तुम्हें बताएं तब ही जाना साथ, नहीं तो मत जाना। और अच्छा पासवर्ड सेट कीजिए। आप बहुत ही एक अलग प्रकार का पासवर्ड रख सकते हैं, कोई नाम कोई कुछ भी आप जैसा आपको पासवर्ड लगे, लेकिन पासवर्ड यूनिक रखिए और अपने बच्चों के साथ वो पासवर्ड शेयर कीजिए। बच्चों को बताइए कि वो पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें, आप भी किसी के साथ शेयर ना करें, लेकिन जब भी आप किसी को मौका किसी अजनबी को अपने बच्चों के साथ बच्चों को लेने भेजें तो वो पासवर्ड उसको बताएं, तब बच्चा आप उनके साथ जाए अन्यथा ना जाए। इस प्रकार का जो प्रयास है वो हमारे द्वारा किया गया है। एक बहुत अच्छा मैसेज था जो मुझे आपको देना था। तो आप भी इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सारे व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप्स में और इंस्टाग्राम पर, जहाँ भी आप शेयर करना चाहते हैं, जितने भी आपके ग्रुप्स हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर और अपने जो भी हैं ऐप्स पर, जहाँ भी आप शेयर करना चाहते हैं मैसेजिंग ऐप्स पर, ईमेल के माध्यम से, जितने भी जगह आप शेयर करना चाहते हैं शेयर कर दें, क्योंकि ये बहुत अच्छा मैसेज है। इससे बच्चों को बहुत अच्छे से उनको सेफ रखा जा सकता है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और अगर अब आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट और अपडेटेड न्यूज़ और बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां यहां से आपको मिलती रहें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।